उन्नति और प्रगति के पथ पर गति के साथ MCF के बढ़ते कदम, जितनी गति उतनी प्रगति। साधनों का सदुपयोग, बेहतर सेवाओं का विस्तार, इस लक्ष्य को समयावधि में पूरा करने के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है MCF। भारतीय रेल निरंतर अपनी सेवाओं और सुविधाओं में विस्तार के पथ पर है। इस क्रम में रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राष्ट्रीय सेवाओं में विस्तार हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भागीदारी, दोनों ही क्षेत्र में निरंतर सफलता के आयाम स्थापित करता जा रहा है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। 13 फरवरी 2007 को आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना की नींव रखी गई। 541 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना आधुनिक इतिहास की एक अभूतपूर्व कड़ी है। अपने प्रारंभिक वर्षों में RCF कपूरथला की मदद से शैल व बोगी का आयात कर वर्ष 2011 में प्रथम कोच का निर्माण किया गया एवं वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक 358 कोचों का निर्माण किया गया। वर्ष 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की योजना मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत मूलभूत परिवर्तन कर समस्त कारखाने को आधुनिक बनाने के साथ नवीनतम रखरखाव और कार्य क्षमता में गति प्रदान करने का लक्ष्य पूरा किया गया। भारतीय रेल की पहली कार्यशाला है जिसमें रैम्स को लागू कर थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्ट्रक्शन से क्वालिटी में सुधार लाया गया। फैक्ट्री के अनुभवी इंजीनियरों के देखरेख में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 4000 वर्कर्स के साथ 1000 सवारी डिब्बे प्रतिवर्ष बनाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ। फैक्ट्री की इस उत्पादन क्षमता को आने वाले वर्षों में दोगुना यानी 2000 डिब्बे प्रतिवर्ष निर्मित करने की योजना बनाई गई है। 13 अगस्त 2014 को प्रथम इन हाउस मैन्युफैक्चर कोच राष्ट्र को समर्पित करने के पश्चात आज लगभग 8500 कोचों का निर्माण किया जा चुका है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने शताब्दी, तेजस, राजधानी, अंत्योदया, दीनदयालु और हमसफर जैसी ट्रेनों को अत्याधुनिक सुविधाओं वाले कोच रेलवे सेवा में समर्पित कर रही है। इस लास्ट ईयर हमने 1875 बनाए जो कि सेकंड हाईएस्ट रहा है। इस बार हमें को टारगेट 2129 मिला है जो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में MCF द्वारा 1875 कोचों का निर्माण किया गया है। साथ ही हाई कैपेसिटी पार्सल कोच का निर्माण भी किया गया। इस कड़ी में तेजस के डिब्बों का भी निर्माण कारखाने में किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए जहां डिब्बों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधार कर निरंतर सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, वहीं दिव्यांगों के अनुरूप भी डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है। देश का प्रथम उपक्रम जहां स्मार्ट कोचों का निर्माण जिसमें गाड़ी की गति व समय आदि की सूचनाएं यात्रियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इन डिब्बों में वायरलेस सेंसर नोट का भी प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त डिब्बों में वाटर लेवल इंडिकेटर की व्यवस्था भी की गई है। CCTV व पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से अति आवश्यक है को भी कोचों में लगाया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मोजाम्बिक को रेल डब्बों की आपूर्ति कर निर्यात के क्षेत्र में फैक्ट्री ने प्रथम कदम बढ़ाया। साथ ही निरंतर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सवारी डिब्बों के निर्यात करने की ओर अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता एवं कुशल नेतृत्व के साथ ही आधुनिक भारत की संरचना में सिमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को देश के समस्त राज्यों से जोड़ने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 ट्रेन सेट बनाने की ओर MCF अग्रसर है, जिसमें वंदे भारत के ट्रेन सेट का प्रोटोटाइप मॉडल मार्च महीने में तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने आके 2017 में संकल्प दिया कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन का डिजाइन भारत में ही करो
उसको डेवलप करो, भारत में ही मैन्युफैक्चर करो और एम लो, संकल्प लो कि कुछ वर्षों में वो एक्सपोर्ट करने की परिस्थिति में आना चाहिए। T18 जिसका इंजीनियरिंग कोड नेम था, वंदे भारत प्रोडक्ट 2019 में निकला, दो ट्रेन्स बनी, इतनी शानदार तरीके से चली। अध्यक्ष जी, शुरुआत में 4 ट्रेन पर मंथ निकलेगी, फिर धीरे धीरे वो रैंप अप होके 8 ट्रेन्स पर मंथ निकलेगी। साथ ही साथ MCF को डेवलप किया जा रहा है रायबरेली में। यह फैक्ट्री स्टेट ऑफ आर्ट का जीवंत उदाहरण है, जहां विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता निरंतर रहती है। वहीं फैक्ट्री में एनर्जी जनरेशन के लिए 3 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है, जिसे भविष्य में 17 मेगावाट करने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के भारत कौशल विकास योजना को बढ़ावा देते हुए मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने स्थानीय युवाओं के लिए एक नया स्वर्णिम अवसर पैदा किया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोबोटिक उपकरणों पर प्रायोगिक कार्यशालाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 353 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हर सुख सुविधा से युक्त सुंदर टाउनशिप का निर्माण किया गया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए हर सुख सुविधा इस टाउनशिप में मौजूद है। स्कूल हो या प्लेग्राउंड, पार्क हो या जिम, समस्त व्यवस्थाएं हैं इस टाउनशिप में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने कम समय में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। आयरिस प्रमाण पत्र हासिल करने वाली भारतीय रेलवे की पहली इकाई है। फैक्ट्री में पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2019 में ग्रीन को प्लैटिनम रेटेड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारतीय रेलवे की प्रथम उपक्रम है। इसके अतिरिक्त NABL, ISO और 5S प्रमाण पत्र भी अर्जित किए हैं। MCF में खेलों और खिलाड़ियों के विकास हेतु विशेष सुविधाओं का निर्माण किया गया है। वृक्षों के समुचित देखरेख के फलस्वरूप आज MCF की पहचान एक इको फ्रेंडली कारखाने के रूप में स्थापित हुई। रेल का ताज है मॉडर्न कोच फैक्ट्री।